अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। टोटल 5,194 पॉजिटिव कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड इन लास्ट वन डे 773 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 149 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल की अगर डेथ की संख्या देखें तो अराउंड 32 पीपल हैव डाइड यस्टरडे। इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेटरी एक्टिविटी एज वी हैव बीन एक्सप्लेनिंग, जैसे हम आपको बताते आए हैं, फील्ड लेवल पर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जबकि हम कोविड 19 को पूरे देशव्यापी लेवल पर मॉनिटर करना चाहते हैं, तो उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। यह एक दीक्षा प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है उससे संबंधित है, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, ANMs और साथ ही राज्य के जितने अधिकारीगण हैं, सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। हमारा फोकस है कि कैसे हम लार्ज स्केल वर्कफोर्स बनाएं, ताकि फ्लेक्सी टाइम और ऑन साइट बेसिस पर उन लोगों को हम ओरिएंट कर सकें। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड प्रेग्नेंट लेडीज से संबंधित फिजिशियंस के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एम्स के द्वारा वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि सस्पेक्टेड या कन्फर्म प्रेग्नेंट वुमेन अगर जो कोविड से रिलेटेड हैं उनको एंटीनेटल केयर और लेबर मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी। आप सबको मालूम है कि कोविड के जितने केसेस होते हैं उसमें अराउंड 80% केसेस माइल्ड या वेरी माइल्ड सिम्टम्स से संबंधित होते हैं। उस स्थिति में कि कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उसके तहत जैसे कि मैंने कल आपको भी बताया था कि हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को क्लासिफाई करते हुए टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स के रूप में, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स बताते हैं, उसके तहत हम अपने इन जो लेस सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, ज़रूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो क्रिटिकल केसेस होते हैं या जो सीरियस केसेस होते हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में भी अपना रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम कर रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ ही हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी प्रिपेयरनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय में, जैसे इससे पहले भी मैंने आपकी नॉलेज में लाया हूँ, इस समय में हमारी गाइडलाइंस के तहत, जैसे कि जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसके तहत देशव्यापी हर जिले में कार्य हो रहा है, काफ़ी अधिकारीगण उस एक्शन प्लान के तहत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड 19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। आप लोगों की नॉलेज के लिए जैसे मैं लाना चाहूँगा कि पुणे सेंट्रल रीजन और कोंडवा रीजन में डोर टू डोर सर्वे करते हुए 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो टीम्स बनाई गई हैं वो पर्संस विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उनको भी चेक कर रहे हैं। साथ ही कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो उस टाइप के लोगों का भी सर्वे करके उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह से पत्तनमतिट्टा केरला में जो एक जिला है, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सर्विलेंस साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक मुख्य अंश वहाँ पर जो फोकस किया गया है, जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, कि इस समय में जब हम ये सारा काम कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वॉर रूम बनाया गया और साथ ही कैसे क्लस्टर्स और जो हाउस होल्ड्स अंडर क्वारंटाइन है उसके मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और साथ ही जो हमारे लोग क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में उनको रिक्वायर्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है
तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर हो। उसके तहत हम सब आप लोगों के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें काइंडली सब लोग हमें अपना सहयोग प्रोवाइड करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में लगी हुई हैं, हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है, पुलिस द्वारा निगरानी और भी इंटेंसिव हो रही है, खासकर इन लोकेलिटीज़ में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है, मार्केट्स में, बाजारों में, बैंकों में ज़िला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एरिया मैपिंग, मार्किंग और कई जगह पर बैरिकेडिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है, जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि संभावना है कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होर्डिंग करें। होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि वे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि एसेंशियल गुड्स उपलब्ध रहें। राज्य सरकारें कई कदम उठा सकती हैं, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स, कैपिंग ऑफ प्राइसेस, डीलर्स के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन इत्यादि। जैसे कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें एक कंपोनेंट था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। 3.5 करोड़ पंजीकृत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था कि वे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, यानी कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करें। इस कोष में लगभग 31,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकारों ने इस निर्देश का क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया है। 31 स्टेट्स और यूटीज ने 1,000 से लेकर 6,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को लगभग 3,000 करोड़ की राशि दी गई है। 29 लाख श्रमिकों को फूड रिलीफ भी दिया गया है। आशा है इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तुषार मेहता इन्फॉर्म्ड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट दो 15,000 tests are being conducted daily, these are insufficient. Therefore, private labs were roped in on March 12. Is that the government labs are proving to be insufficient? Please. Insufficient, I think, Mr. Krupa. Okay. So, see, kindly understand, हम जो भी ये testing कर रहे हैं, इसका एक protocol होता है. और उस protocol के तहत ही किस-किस की sampling करनी चाहिए, वो sample हम लिए जाते हैं. प्राइवेट लैब और गवर्नमेंट लैब, इन दोनों के मिक्स के द्वारा हम ये चाहते हैं कि देश में एडिक्वेट ज्योग्राफिकल लेवल पर अवेलेबिलिटी हो, और डेफिनेटली प्राइवेट लैब को रोप इन करने से, ये संख्या बढ़ने से और उनके कलेक्शन सेंटर्स के द्वारा हम इसको ओवरऑल बेटर मैनेज कर सकते हैं। उसके तहत ही हमने उनका सपोर्ट लेके हम उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्नेहा फ्रॉम न्यूज 18। From CNN News 18, my question is to Mr. Lav Agarwal. In many hospitals in Delhi and elsewhere also in Mumbai, in Jaslok Hospital and other hospitals, we've seen patients who have come to the hospital for something else are in fact coming in touch with medical staff, doctors, nurses at the hospital, and they're infecting them inadvertently with COVID-19. Later on, there is a realization that that patient was actually a carrier of COVID-19, but had come to the hospital for something else altogether. What is the government going to do to check such cases? Ma'am, as I have been mentioning, and I'm sure all of us are aware, we are actually dealing with a very huge challenge. And this, the infectious disease which you are dealing with, it is not only putting India into a very tough situation. Across the world, we are facing this challenge right now. And this is a major area of concern for us, because in this particular infectious disease, not only people who are symptomatic, at times, though the percentage is less, but it has been noted that even asymptomatic person as carriers may also pass on infection. This challenge has to be basically focused in a manner where
all of us ensure that the required social distancing measures are followed so that we don't end up passing infection. So we are looking for a major behavioral approach, behavioral change within our approaches of how we manage. Linked with that is the issue also that even at the hospital level, as has always been explaining, the focus on infection prevention and control. You had been asking me about this question, whether in certain cases some healthcare professionals have also got infected, and I had been telling that yes, minuscule portion has also been getting infected. Our major focus is to ensure that all such required infection prevention and control practices are followed in all the hospital, and that is why if you would kindly see, in almost all my briefing, I keep highlighting and emphasizing our focus on the training at the field level. Next online question. The ministry has maintained there is adequate availability of HCQ. Please specify the number as on today and share state-wise availability. Sir, let me assure you that the whole situation is being monitored at the highest level. In terms of the requirement of the country, linking it with the fact that how much is the requirement, the production as well as the API availability in the country, it is ensured that not only today, even in future, there will not be any lack of HCQ as and when needed. Let me also again reiterate and highlight, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमने HCQ, hydrochloroquine के जो prescription है, एक particular set of लोगों के लिए रखाई, invite की है, उसको बताया है आप लोगों को. और इसी के लिए साथ में ये भी कहा है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो registered doctor की prescription पर किया जाएगा. तो kindly ये assure करें कि only set of people जिनके लिए हमने बताया है वो ही इसको इस्तेमाल करें, because किसी भी दवाई के side effects होते हैं. And let me again reiterate and अगेन हाईलाइट कि HCQ की सफिशियंट अवेलेबिलिटी आज भी है और इट विल बी एंश्योर्ड दैट इट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन वी नीड इट. जितनी क्वांटिटी में चाहिए आज भी कंट्री में सफिशियंट और आने वाले टाइम के लिए भी सफिशियंट है. लास्ट क्वेश्चन, न्यूज नेशन, मिस्टर मित्रेंद्र कुमार. सर, मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से ये है कि लगभग 2/3 जो लॉकडाउन का निर्धारित था वो समाप्त हो चुका है. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, टारगेट क्या था, हम कितना अचीव कर पाए हैं? और ये देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मांग भी हो रही है कई स्टेट्स के जरिए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, तो उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या मत है? इसके साथ एक और सप्लीमेंट्री सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से है कि महाराष्ट्र में डेथ काफ़ी रिपोर्ट्स हो रही हैं, उसकी क्या वजह हैं? अगर ICMR भी इस पर फोकस करना चाहे तो कर सकता है. और एक आखिरी सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है, मीटिंग 3-in-1 है, होम मिनिस्ट्री से है कि मरकज के मामले जो हैं खासतौर पे इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग जो कोरोना है उसकी वस्तु स्थिति क्या है इस वक्त? सर, जैसे कि आपने लॉकडाउन के बारे में कहा है तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी कई बार आप लोगों की नॉलेज में ला चुका हूँ कि हमारा जो वर्किंग है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इज ट्विन अप्रोच. One is focusing on lockdown and social distancing. Second is focusing on containment measures. And उसी के तहत चाहे आप day to day cases की fluctuation देखें, but in terms of the overall rise in the cases in this country, we have actually been able to see कि some impact is there. But let me again highlight that same point जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम infectious disease से deal कर रहे हैं तो हमारे लिए हर दिन एक battle है. हम आज अगर अच्छी सिचुएशन में काम कर रहे हैं और अगर कल हम कहीं एक लेवल पर फेल होते हैं तो वी कम बैक टू द ओल्ड सिचुएशन वंस अगेन. इसीलिए लॉकडाउन के जो रिमेनिंग पीरियड में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दो चीज़ों पे पैरेलली फोकस करने को कहा है. एक तो टू कंटिन्यू देयर फोकस ऑन सर्वेलेंस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दूसरा इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल्स. और जैसे मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, अब हम मेजर फोकस टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स, केयर सेंटर्स बना के कैसे हम फील्ड लेवल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें उस पर काम कर रहे हैं. अभी करंटली अगर आपने देखा तो डेथ्स का नंबर इतना छोटा है कि उसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहे हैं ऐसे कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये चांस इवेंट रह सकती है. उसको उसी नज़रिए से देखा जाए कि ये ज़्यादा डेथ्स दिख रहे हैं लेकिन वो सिग्निफिकेंटली हाई ऐसे नहीं. हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स या तो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या एज एज ए रिस्क फैक्टर है. तो जो हम डेथ रिपोर्ट होती हैं तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बिकम्स ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हम उस केस को और बेटर मैनेज कर पाएँ.
और इसी से लिंक फैक्ट है कि हमें कम्युनिटी से हर तरह का सपोर्ट मिले कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके केसेस को डिटेक्ट। जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मेगा एफर्ट द्वारा उसने 25,500 से ज़्यादा स्थानीय तबलीग जमात कार्यकर्ताओं को और उनसे संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनको क्वारंटाइन कर दिया था। इसके अलावा हरियाणा में जो 5 गांव थे जहां विदेशी तबलीग जमात टीम्स रुकी थी उनको भी कंटेन करके सील करके कंटेन कर दिया गया था।